कहते हैं किसी भी ओवरहेड सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। आज की इस वीडियो में कैसे बंदे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने चाय बेच के दुनिया को ये साबित कर दिया कि आप दुनिया के छोटे से छोटे काम को कर ब्रांड बना सकते हैं। बस आपके अंदर एक जिगरा होना चाहिए, नहीं तो सड़क किनारे लगा गया टी स्टॉल आज करोड़ों का कैसे ब्रांड बन सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर प्रफुल बिल्लोरे, हु इज द फाउंडर ऑफ MBA चाय वाला। बॉस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना, एंड अगर जहन में अगर थोड़ी सी भी अगर आग लगेगी तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मिलेगा इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए और अभी फॉलो कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हर मिडिल क्लास बंदे ऐसा प्रफुल भी अपना पढ़ाई कर रहा था। प्रफुल का सपना था किसी बड़े कॉलेज से MBA करना, जिसके लिए इस बंदे ने 3 बार कैट का एग्जाम दिया लेकिन एक बार भी एग्जाम पास नहीं कर पाया। बहुतों मेहनत के बाद जब एग्जाम नहीं निकला तब इसने पढ़ाई छोड़ दी एंड डिसाइड किया अब इसे MBA नहीं करना है। जिद में आके तो पढ़ाई छोड़ दी, पर अब इस बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे मुझे करना क्या है। बाद में बहुतों रिसर्च के बाद उसने मैकडॉनल्ड में जॉब करने के लिए डिसाइड किया, इसलिए वो अहमदाबाद में 37 रुपीज पर आवर के हिसाब से एक डिलीवरी बॉय के रूप में जॉब किया। खैर बाद में कंपनी के प्रमोशन के बाद वो एक बेटर के पोस्ट तक पहुंच गए। बॉस, इस बंदे को यहाँ एक्सपीरियंस बहुत मिल रहा था जो कि इसकी किताबी नॉलेज से कई गुना ज्यादा था। जहाँ वो सीख रहा था कस्टमर के नीड को, सीख रहा था कस्टमर से कैसे बात किया जाता है, वर्क कर रहा था अपने कम्युनिकेशन स्किल पर, वर्क कर रहा था अपने बिजनेस आइडियाज पर, और साला यही लर्निंग एटीट्यूड इस बंदे को अपना कुछ करने को मजबूर कर देता है। और दोस्त, मैकडॉनल्ड में जॉब करते करते इन्होंने डिसाइड किया एक टी स्टॉल खोलने का, पर बॉस इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि पूरे सेटअप को लगा सके, तो इन्होंने अपने ही पापा से झूठ बोलकर कोर्स के नाम पे 8,000 रुपया मांगे जो उनको आसानी से मिल गया। प्रफुल एक इंटरव्यू में बताते हैं एक मामूली सा टी स्टॉल को लगाने के लिए उसे 50 दिन लग गए थे। बॉस, टी का स्टॉल लगाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि एक अच्छे घर से बिलोंग करके पढ़े लिखे होने के बावजूद रोड किनारे चाय लगाने के लिए जिगरा होना चाहिए। बॉस, इस बंदा ने टी का स्टॉल तो लगा दिया था और अच्छा खासा कस्टमर भी बना लिया था, लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ जिस जगह में ये बंदा टी का स्टॉल लगाता था वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ टी स्टॉल लगाने में उसे मना कर दिया, कभी कभार तो ब्लैकमेल भी किया करता था। लेकिन कहते हैं दिल में जिद और दिमाग में पागलपन उस बंदा को कोई भी रोक नहीं सकता। वहाँ पर तो उन्होंने अपनी जगह को चेंज कर लिया, लेकिन फिर एक नया नाम के साथ, एक नया प्लान के साथ MBA चाय वाला से एक छोटा सा शॉप ओपन किया। दोस्त, शुरुआत में तो इस नाम का काफी मजाक उड़ाया गया, कभी खुद के इनके दोस्त मजाक उड़ाते थे तो कभी इनके खुद के रिलेटिव भी इनका मजाक उड़ाते थे। फिर भी इस बंदे ने लोगों को बात को इग्नोर किया और अपना पूरा समय एंड एनर्जी अपने ब्रांड को ब्रांड बनाने में लगा दिया और अपने मेहनत और होशियारी के दम पर MBA चाय वाला को पूरे देश में रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत सारे इनके ब्रांचेस कई सारे देशों में फैले हुए हैं और इसी तरह 8,000 से शुरू किया गया एक छोटा सा स्टार्टअप आज करोड़ों का ब्रांड बन गया, जिनका सालाना टर्नओवर 3 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, बिग बायोग्राफी का सीरीज आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक बनता है, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।